ये जनाब न्यू मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं, BC30S इंस्टॉलेशन हो रही है न्यू मशीन की ना। दो हजार 23 सात पावर प्लांट भी चाहिए दूसरा मेरे से। अच्छा पेंट आ रहा वो है बड़ा वो है। ये जनाब न्यू मशीन इंस्टॉल कर रहे हैं जिसे 30S इंस्टॉलेशन न्यू यूनिट। हाँ ये इसका भाई प्रिंटर चेंज कर रहे हैं, पेपर लगा रहे हैं आज। इनके पास रोल पड़ा है। हाँ बहुत सुपर है। सेक्शन ऑफ हेमाटोलॉजी नजर ठीक है। डायमंड भी उठवा लें वहाँ से। आपके सामने उन्होंने हर चीज से सीला चढ़ा दिया, हर चीज से मैं स्टिकर ला के सील खुली है। ये रिमोट ये भाई सराहिर से पूछा करें ना क्या सराहिर नहीं रखा होगा वहां पे ट्राई भी क्या हर शे कहीं का लो पहले इसमें डेल रेंज नहीं है उसकी जगह प्रॉप कर लाइस का बारकोड ये लिखा हुआ है। ठीक है ठीक है और डेलमंड का बारकोड। हां ये बारकोड है पर कहीं का लोता होती वो तो सेकंड्स है ना वो तो लिख से हैं। ये लाइज तकरीबन आपका जो है ना तो 13-1400 टेस्ट निकल रहे हैं उसके लिए इसमें बहुत ज़्यादा कर। हाँ ये भी है इसमें ना वो कितना निकालता था 800-900 तकरीबन ऑलमोस्ट डबल के करीब चला जाता है। ये लाइज की जगह की दुकान आप सही वसीम भाई आ जाए। ये ऑन कर दिया जनाब मशीन। वसीम आप इधर साथ खड़े हो जाना यार जब आप पावर ऑन करेंगे सबसे पहले ये आपको डिस्प्ले होना जाएगा। अगर आपकी नॉर्मल मशीन काम करेगी तो ये लाइट ग्रीन होगी, अगर कोई एरर आएगा तो ये रेड हो जाएगी लाइट। ठीक है अब इसमें यूजर नेम पासवर्ड है, यूजर नेम एडमिन है, जैसे एडमिन इधर लिखा वैसे नीचे लिखना है सेम ऐसे। ये बड़ा और बड़ा आपने शिफ्ट प्रेस करना है, ए कैपिटल हो जाएगा डी एम आई ए बड़ा डालना है बाकी सारे छोटे। जब आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे ना तो ए बड़ा डाल जाएगा बाकी ऑटोमेटिक छोटे हो जाएंगे। जब हमने ऑन करनी है उस टाइम ए मांगेगा। हाँ जी ये बस उसी टाइम मांगेगा एडमिन एडमिन। ये अब उसका पहला इनिशियलाइजेशन जो सेटअप है वो स्टार्ट होगा।
ये कंप्लीट वीडियो आपको दिखा रहे हैं जनाब, मशीन भी से 30S नवीन रेगुलर टेस्ट मशीन को इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसकी वीडियो है जनाब, मैंने कहा अपने व्यूअर से ना शेयर कर लें। तो ये कंप्लीट वीडियो है कैसे न्यू मशीन को इंस्टॉल करते हैं मिंड्रे बी सी 30S। ये इसकी वेस्ट है सर, आ गया ये सर जी, और दोबारा तो लाइव बाद में आएगा फिर। ये शुरू हो गया था जी, ये तूने रोना है तूने कहना मेरे महीने के चार करते थे अब दो करते हैं। ये है मेरे नहीं तो ये सिर्फ इसी मशीन, ये जनाब डिस्प्ले आ गया माशाल्लाह, मशीन ऑन हो गया, लाइट एक्सपायर, ये फिल करेंगे भाई इसे बार कर देंगे आप, ये में आ गए जो मर्जी देते हैं वो इसमें जो मर्जी फीड करते हैं ऑटोमेटिक उसने ऑटोमेटिक सेंस कर दिया। मैं कह रहा हूं ये 11 11 42 इसके साथ भी एक माउस कीबोर्ड का ऑप्शन है जो लग जाएगा लग सकता है अपना, लेकिन चलाना उसके केस का नहीं पता ना, शॉर्ट कट अच्छा चला है इसमें वैसे अच्छा जो है ना माउस कीबोर्ड का। हां कीबोर्ड वो यूएसबी लगा लेना, वो यूएसबी केबल है लेकिन उसको चलाना नहीं है, ठीक है साथ चलेगा वो, ये लेके जा रहे हैं हो गया ये देखें बारकोड लोडिंग सिस्टम आ गया, अप्लाई करना आपने मैसेज आया ओके होगा, वो इसे ट्राई करवा देगा यहाँ पर लाइव जो है जब आप लाइव डन लिखा भी है ना लाइव सेटअप और उसके बाद डन अभी नहीं थी भाई, ये रखते हैं बदी खड़े होता है तो आपको बोलना चाहिए सारे लोग नहीं नहीं अपनी मशीन भी नहीं हुआ स्कूल गया पहले होता है इनका। हाँ हाँ हकीकत है ये जनाब, अब डायमंड का बारकोड अप्लाई कर रहे हैं। दिसंबर 2024 से पहले वो फिर आप उनको बारकोड दे देंगे, ठीक है 25-30 सैंपल है तो फिर तो 900 आप निकल जाएंगे, जब भी डायमंड मांगेंगे खुद ही लगाएंगे, खुद ही ऑप्शन मांगेंगे वो आपको मैसेज दे देगा यहां पे ना, मैसेज आ जाएगा डायमंड ट्रेन ऊपर डायमंड डायमंड एक्सपायर, कोई भी एरर आएगा वो यहां पे आएगा, उसका इधर आता था ना ऊपर जी जी, इसका जहां पे एडमन लिखा ना यहां पे शो होगा रेड कलर में। सही प्रिंट के साथ ग्राफ लेना है। हां जी है विदाउट इंस्टाग्राम में पा जाना है ग्राफ ना विदाउट कर दें दे मंथ ईयर ठीक है 12
नाम पे लिखना है ग्राफ लेना ग्राफ पहले तो नहीं है विदाउट करते हैं जो बोल रहा हूं ये सर सीधा ही आ जाएगा हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल नीचे आ जाओ विदाउट इस पर प्रिंटर ऑटो आएगा प्रिंट खुद देते हैं मैंने और किसी के नहीं मुझे ना से अच्छा बस ठीक है मैं अच्छा इसके साथ आप बड़ा प्रिंटर भी अटैच कर सकते हैं फुली बड़े पे पेज पे और बोर्ड आ गया है यूनिट नहीं कैसे बड़ा प्रिंट कैसे एक्शन बड़े प्रिंटर बड़ा नहीं प्रिंटर बड़ा हो गया सकता है 13 20 मॉडल का पूरी रिपोर्ट है पेज पे आ जाएगी वो जैसे आप पहले रिपोर्ट खुद ही टाइप करते हो इसकी टाइप नहीं करनी पड़ेगी वो पूरे पेज पे खुद ही निकल जाएगा इसका खाली सीबीसी को यहां निकाल लेते हैं सिस्टम का फिर से ठीक है कुछ भी नहीं ये ठीक होंगे वो परसेंटेज में बाकी बस सेम है कि दो पैरामीटर एक्स्ट्रा भी नहीं ना 20 से 40 हो गया मिड 3 से 15 है हां ठीक है 50 से 70 ठीक है एच भी सही हो गई है ये भी सही हो गया प्ले रेट 150 करते हैं स्टैंडर्ड टाइम की तरह मैक्सिमम रहता है मैक्सिमम सर्दी में वो रीड बाल का मांगी गई सर्दियों में मांगेगी वो फिर स्टार्टिंग करने के लेकिन अभी ठीक है कैलिब्रेशन वो जिसको 20 ऐसी करते हैं वो है ना वैसे तो मेरे ख्याल में जरूरत तो नहीं होगी उनका वो प्रॉपर्टी जो पड़ी है ये चीज़ें पड़ी हैं टेम्परेचर mm-hmm.